हेलो वन वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने आया हूं। और कुछ सवाल थे कि जो मेंसिंग स्लिप है किन्हीं का रिजेक्ट हो जा रहा है बेल के केस में, रेगुलर बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो, बेल का यहां मतलब हम दोनों से समझेंगे। जब भी मैं बेल बोलूँगा तो आप समझिएगा कि एंटीसिपेटरी और रेगुलर दोनों की मैं बात कर रहा हूं। तो मेंसिंग स्लिप रिजेक्ट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप रिजेक्शन का कारण देखें और रिजेक्शन देखिए, मेंसिंग स्लिप जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेंसिंग स्लिप आप तब लगाएं जब आपके केस में अर्जेंसी है। तो अर्जेंसी क्या होता है, इसमें भी कमेंट मुझे मिले थे कि सर अर्जेंसी क्या हो सकता है। तो भाई आपका अर्जेंसी है आपके केस में, और आपका जो भी अर्जेंसी होगा वो कोर्ट की अर्जेंसी से बिल्कुल अलग होता है। कोर्ट किसको अर्जेंट मानती है, तो चलिए इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप कहेंगे कि मेरे घर में मैरिज है तो क्या अर्जेंसी ये कोर्ट मानेगी, अर्जेंसी नहीं, ये कोर्ट अर्जेंसी इस अर्जेंसी को अर्जेंसी नहीं मानती है, रेगुलर बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो इसके केस में। क्योंकि हमारे ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस, जो भी बेल के केसेस हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, चाहे क्रिमिनल अपील हो या क्रिमिनल मिसलेनियस में एंटीसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, इसके केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा क्या, इन द सेंस कि 9 से 10,000 केसेस अभी तक पेंडिंग हैं, ठीक है। और हर रोज़ आते जाते हैं केस, नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप कोई क्रिमिनल मिसलेनियस लेते हैं और अगर आप मैरिज का रीज़न देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्रिमिनल मिसलेनियस जो है 25370/2021 के में ये मेंसिंग स्लिप लगाया गया था, जिसमें कहा गया है कि मैरिज ऑफ पिटिशनर डाउटर फिक्स्ड ऑन 28/4/21 अफिडेविट भी इन्होंने लगाया था मैरिज के लिए कि मैरिज जो है इनकी पिटिशनर की बेटी का मैरिज फिक्स हुआ है 28/4/21 को। तो कोर्ट कहता है ये अर्जेंसी नहीं है। तो आखिर अर्जेंसी क्या हो सकता है, ठीक है, अर्जेंसी किसको मानती है, तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, साफ लिखा है कि मेंशन स्लिप रिगार्डिंग बेल शैल बी कंसीडर्ड ओनली, जो भी आप मेंशन स्लिप लगाते हैं जल्दी सुनवाई के लिए बेल के केसेस में, तो उनको तभी उनका मेंशन स्लिप को अप्रूव किया जाएगा जब उसमें एफिडेविट लगा होगा। एफिडेविट क्या लगा होगा, उसमें रीजंस होने चाहिए। रीजंस क्या, कारण क्या होना चाहिए, अर्जेंसी का कारण होना चाहिए और डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्या है अर्जेंसी भाई, कोर्ट किसको अर्जेंसी मानती है, डेथ को। अगर फैमिली में कोई डेथ होता है तो पिटिशनर का जो केस है वो अर्जेंसी में आ जाता है। तब जो है डेथ सर्टिफिकेट लगा करके आपको मेंसिंग स्लिप लगाना होगा। तो पहला रीज़न ये अर्जेंसी मानती है कोर्ट बेल के केसेस में। दूसरा रीज़न क्या है, इन केस ऑफ एग्जामिनेशन, अगर पिटिशनर का कोई एग्ज़ाम है तो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो एडमिट कार्ड के साथ जो है आप मेंसिंग स्लिप जो है इस मेल आईडी पे भेजेंगे। यहाँ जो मेल आईडी लिखा है ना, mensing.psc-bih@gov.in, इस पर अगर आप लगा करके भेजते हैं तो जो है आपके केसेस को माना जाता है कि वो अर्जेंसी है। कब, एग्जामिनेशन के केस में और डेथ के केस में, ठीक है। तीसरा रीज़न कहता है कि इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस यानी कि पिटिशनर को बहुत कोई क्रिटिकल बीमारी हो गई है, ठीक है, तब आप उस समय मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, जिसमें किसी हॉस्पिटल का जो है, उनके हॉस्पिटल के HOD जो है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, किसी डिपार्टमेंट का जो है, जिनका वो प्रॉब्लम है, बीमारी चल रही है पिटिशनर की, या फिर उनका कोई इलाज चल रहा था पहले और अभी जो है वो क्रिटिकल हो चुके हैं, तो आप जो है अर्जेंसी के लिए लगा सकते हैं बेल के केस में। अदरवाइज इसके अलावा अगर आप कोई रीज़न डालते हैं तो वो रीज़न कोर्ट अर्जेंट नहीं मानेगी, क्योंकि जो भी रेगुलर बेल होते हैं या एंटीसिपेटरी बेल होते हैं, ठीक है, या क्रिमिनल अपील होते हैं। क्रिमिनल अपील का मतलब क्या होता है, जब किसी का रेगुलर बेल रिजेक्ट हो जाए, रेगुलर बेल ना मिले और उनको सज़ा सुना दिया जाए, तो हम जो है अपील के लिए जाते हैं, क्रिमिनल अपील कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिमिनल अपील के केसेस में भी, रेगुलर बेल के केसेस में भी और एंटीसिपेटरी बेल के केसेस में भी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पेंडिंग, तो इसलिए वो कोर्ट जो है उसकी सुनवाई नहीं करेगी, ठीक है। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप
आपके परिवार में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो आप जो है मेंसिंग लगा सकते हैं। मेंसिंग लगाने के लिए मेंसिंग स्लिप आपको मैं बता चुका हूँ कैसा होता है, फॉर्मेट भी आपको दिखा दिया हूँ। और मेंसिंग स्लिप के साथ जो है आपको ये, अगर आपके पास ये तीन डॉक्यूमेंट जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, या फिर बता ही दिया हूँ, ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट या कोई एडमिट कार्ड या फिर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो आप लगा करके मेंसिंग स्लिप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आपको वेट करना होगा, ठीक है। और पूछा गया था सवाल कि सर जो केसेस हैं, नंबर ऑफ़ केसेस कभी 200 होता है, कभी 150 होता है। देखिए, हर जजेस के, ऑनरेबल जजेस के अपने अपने पावर होते हैं, अपने अपने उनका सुनने का तरीका होता है, और केसेस जो हैं, केसेस के टाइप अलग अलग होते हैं। तो हमारे पटना हाई कोर्ट में अभी 20 से 21 ऑनरेबल जजेस बैठते हैं, ठीक है। हालांकि इनके नंबर जो है कुछ आने वाले समय में इनके नंबर बढ़ने वाले हैं, तो हो सकती है केसेस जो हैं और आपके बढ़ जाएं। और ऐसा नहीं है कि जो भी बेल होता है वो सिर्फ एक ही जज को दिया जाए या दो जज में बांटा जाए, नहीं, बेल के केसेस में सारे जजेस को दिए जाएंगे, चाहे वो रिट के केसेस में भी वैसा ही है, सारे जजेस को दिए जाते हैं। जो नंबर ऑफ केसेस जिसका ज़्यादा हो जाता है तो सबको दिया जाता है, बांटा जाता है। और रही बात कि पूछते हैं कि कई लोग कि सर बेल हो जाएगा या नहीं, तो देखिए श्योर नहीं मैं बता सकता हूँ कि बेल हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो जज के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ आपके केसेस में आप पे कौन से चार्जेस लगाए गए हैं, आपके FIR में कौन से चार्जेस लगाए गए हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो बेलेबल चार्जेस हैं कि नहीं हैं तो आप ये भी पता कर लें। हालांकि अगर मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों को और भी जानकारियाँ दे सकूँ कि कौन कौन से चार्जेस में हैं बेलेबल है, बेल लिया जा सकता है, और कौन कौन चार्जेस जो हैं वो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कौन कौन अपराध जो हैं नॉन बेलेबल कहलाते हैं जिनमें बेल नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं जल्द ही इसके वीडियोस भी लाऊंगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बता दूँ इसी में आपको, कि अगर आप कोई भी, जब भी आप मेंसिंग स्लिप देखते हैं, तो मेंसिंग स्लिप देखने से पहले ना आप एक फाइंड कर सकते हैं, अपना केस नंबर यहाँ पर टाइप करके फाइंड कर ले। जैसे कि एक मैं सीरियली ऐसे कोई केस नंबर ले लेता हूँ, 7521 एक केस नंबर ऐसे ही मैं उठा रहा हूँ, 7521 मैंने लिया। अब ये हो सकता है रिट हो या क्रिमिनल मिसलिनियस, मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे एक आ रहा है क्रिमिनल मिसलिनियस जो है यहाँ पे आया, एंटिसिपेटरी बेल है, लिस्टेड है सीरियल नंबर 2064 पे, तो 2064 पे है। तो आप ये ज़रूर देख लें कि ये फ्रेश में है या नहीं, ठीक है, या किसी ऑनरेबल जज की कंसोलिडेटेड लिस्ट में है, तो आप ऊपर में जाकर के देख सकते हैं। अगर उनकी कंसोलिडेटेड लिस्ट में होगा तो वो जज जो हैं उनका सुनवाई किस दिन ज़्यादा होगा, तो वो दूसरे जजेस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। वो जो है आपस में ट्रांसफ़र होता रहता है, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि ये सारे केसेस जो हैं, ये जैसे कि हम लोग पेमेंट जमा करते हैं तो ये लॉकर में रखे पैसे के समान है, और इसका जो पैसेज हैं ये जो कैशियर होते हैं तो ये जज होते हैं, वो आपस में कैशियर जो है वो चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप चाहें किसी का केसेस जो है कोई और लेता है, उनका केसेस कोई और भी सुन सकते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब आपको यहाँ पे 111 जो दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ये सारे नए केसेस हैं और इनका पहला हियरिंग होने के लिए लगाए गए हैं। ये जो वन है ना, इसका मतलब पहला हियरिंग चलेगा, ठीक है। और अब अगर आप किसी केसेस में देखते हैं 4 लगा हुआ, 5 लगा हुआ, तो इससे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो केसेस जो है उनका चौथा हियरिंग है, पांचवा हियरिंग है या छठा हियरिंग है। आप उसके आगे लगे नंबर से पता कर सकते हैं कि कौन सा हियरिंग चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि सारे केसेस में एक ही बार में पहले हियरिंग में ही बेल मिल जाए, तो ये मुश्किल है, ठीक है। अगर बेलेबल चार्जेस हैं, बेलेबल ऑफेंसेस हैं, अगर आप निर्दोष साबित हो जाते हैं, तो ऑब्वियस है आपको पहले हियरिंग में भी हो जाएगी। इसके साथ साथ निर्दोष साबित होने के साथ साथ क्या होता है, कई बार हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जैसे कि कई बार केस डायरी के लिए भी कॉल फॉर किया जाता है। जज जो होते हैं बोलते हैं कि कॉल फॉर केस डायरी, मतलब केस डायरी मंगाया जाएगा, तो केस डायरी जब जमा होगी तब जो है आगे प्रोसेस किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्रिमिनल मिसलिनियस जो है 2020 का है, इसकी चौथी हियरिंग है रेगुलर बेल के केस में, ठीक है।
ठीक है, चौथी हियरिंग है। तो चौथी हियरिंग क्यों चली गई भाई, हो सकता है इनका चार्जशीट नहीं आया हो सकता है केस डायरी नहीं आया हो, तो इस तरह से रीज़न बहुत कुछ हो सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो भी है एक बार में बेल कभी कभार ही होती है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको आगे बता दूं कि जब भी केसेस की सुनवाई होती है तो ये देखा जाता है कि कौन से पिटिशनर कितने दिनों से कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, उनका पुलिस कस्टडी ज़्यादा हो गया है 6 महीने के आसपास या 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और उनका ये पहला क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उनको पहली हियरिंग में हो सकते हैं उसकी उसको बेल या जमानत मिल जाती है, ठीक है। पहले से कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल एंटीसीडेंट कहने का मतलब उनमें पहले से कोई आपराधिक FIR नहीं होना चाहिए उन पिटिशनर के ऊपर। अगर उनमें पहले से भी कोई केसेस पेंडिंग हैं रेगुलर बेल या एंटीसिपेटेड बेल के लिए आ चुके हैं पहले भी, तो वहाँ उस सिलसिले में आपको हो सकती है दिक्कतें, ठीक है, हो सकता है आपका बेल रिजेक्ट भी हो जाए। तो ये आपको याद रखना होगा कि आपका ये पहला केस था या फिर ये और भी पहले चार्जेस लग चुके हैं, तो ये आप भली अच्छी तरीके से जानते हों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा और अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। और आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे अगर आप देखें सब्सक्राइब बटन के जस्ट ऊपर में वहाँ पे एरो की तरह होगा, वहाँ से आप जो है मैं आपको दिखा दूँ कोई भी वीडियो अगर आप में प्ले करेंगे तो वहाँ पे आपको सब्सक्राइब के ऊपर डिस्क्रिप्शन छोटा सा एरो दिखेगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में आएँ, वहाँ से इंस्टाग्राम आईडी होता है, और हालांकि मैं कमेंट में लिख दूंगा, आपको ज़्यादा परेशानी की नहीं है ज़रूरत, वहाँ से आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।